ఓం శ్రీ గంగంభో నమః. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్వీనం గురుమే దేవః సర్వకార్యేషు స్వరూపః ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సత్యదానంద గ్రహ అనాది ఆది గోవింద సర్వకారణ. ఆజ్ గణేష్ చతుర్థి హై. సభీ భాయ్ బహనోకు మేరా బహుత్ బహుత్ శుభకామనాయ. హమారే జీవన్ మేసే విఘ్న హరే గణపతి మహారాజ్ సభీ ధర్మో. आज मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन अपना बताना चाहता हूँ. ये बहुत बार कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है, जबकि इस्लाम में या सिख धर्म में या ईसाइयों में एक ही भगवान की होती है. फ़र्क कहाँ रह जाता है? हिंदू धर्म में हर चीज़ को परसोनीफाई करा गया है. जल भी देवता, वायु भी देवता, अग्नि भी देवता, वनस्पति देवता, सूरज देवता, चंद्रमा देवता, आकाश देवता, धरती भी देवता, देवी हुई. तो अब इस्लाम में क्या कहा जाता है? सूरज खुदा से है, चंद्रमा खुदा से है, जल खुदा से है, अग्नि खुदा से है. हम इनको खुदा मानते हैं और इस्लाम में कहा है खुदा से है. सिर्फ सा का फर्क है और कोई बड़ी बात नहीं. हाँ, जहाँ तक हिंदू धर्म में जो हैं सबके अपने अपने पूजनीय देवी देवता हैं, पर मेरा मानना है कि अगर मेरा मानना नहीं, ये सत्य है, सार्वजनिक है, शाश्वत है. श्री कृष्ण ही सब चीज़ों, सभी देवी देवताओं का जो वृक्ष है, पैंटेन ऑफ लॉर्ड है हिंदुज़म में, उनकी जड़ है. तो आप जड़ को सींच दीजिए, पूरा पेड़ अपने आप सिंच जाएगा. तो ये तो बात हुई हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों. दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज का प्रोग्राम क्या है, तो ज़्यादातर लोग, मेरे भाई बहन, शायद ये सोचने लगे कि क्या क्या है. फिर मैं पूछूं महीने बाद का क्या प्रोग्राम है, शायद और भी कंफ्यूजन हो जाएगा. तो जीवन का क्या प्रोग्राम है, ये तो बहुत ही बड़े की बात हो गई. अगर आप एक छोटा सा उदाहरण लें, हमें जाना है महालक्ष्मी टेम्पल और चले जाएं हम मुंबा देवी के मंदिर या कफ परेड चले जाएं, और मज़े की बात ये रहे कि सारे रास्ते हमें कोई टोके ना के और गलत रास्ते पर जा रहे हैं. हमें जाना वहाँ था, अब जा कहीं और रहे. तो आप सोचिए कि जब हमारा जीवन जो हमें दिया है भगवान, और ईश्वर प्राप्ति से उत्तम तो कोई बात हो ही नहीं, हम वो छोड़ के कितने अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं और हमें कोई जगह भी नहीं मिला. इतनी विचित्र बात है. मैं ये इस बात पे कहना चाहूँगा, ईश्वर ये नहीं कहता कि हर वक्त मुझे बचते रहो. हाँ, स्मरण होना चाहिए, काम भी करो, स्मरण भी करो. घर ऑफिस में जाने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर का रास्ता भूल जाओ. घर का रास्ता याद रहता है. इसी वजह से हमारा जो घर है, अगर आप थोड़ा सा रिवर्स गियर में अपनी ज़िंदगी को डाल दिया या फॉरवर्ड कर दीजिए, आप पता लगाइए आप क्यों आए हैं, क्या वजह है, वाय. आपकी उत्पत्ति आपकी माता से हुई, वो कहाँ से हैं, ये क्यों ड्रामा चल रहा है सारा, रिजल्ट क्या है. एक बार पृथ्वी जब घूमती है तो 7.5 बिलियन आदमी ब्रश करता है, टिश्यू पेपर यूज़ करता है, टॉयलेट जाता है, नहाता है, खाना खाता है,
रोज का इतना गंध मल मूत्र कौन अपनाता? धरती और वॉट रीजन, अब वो हमें पता नहीं। जब हम नीड में होते हैं तब भगवान खुद समझ आता है, बुढ़ापा वृद्धावस्था में बहुत याद आता है। तो ऐसा क्या हुआ जो जवानी में भूल गए? हमें कुछ छोड़ना नहीं है, संतुलन बनाना है। जंगल में जाके क्या होगा, वहाँ तो कोई परिस्थिति नहीं है, ना कंचन ना काम, किस पे विजय प्राप्त करें? समस्या तो इधर है, भोग में योग। मेरा ये कहना है कि जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, दूर फेंकता है, ही हु थ्रोज द नेट, ही हु स्टैंड्स एंड विशेस, वुड यू लाइक टू गेट, हु गेट्स द फिश, तो दूर की मछलियां जाल में आ जाती हैं, जो भगवान जो मछुआरे के पाँव के पास होती है वो बच जाती है। ऐसे ही जो ईश्वर की शरणागत होते हैं वह माया का जाल नहीं करता। इसलिए 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच माने भयभीत न हो, बिल्कुल डर मत, मैं हूँ ना, मैं तुझे निष्पाप कर दूँगा, मेरे पे आश्रित होकर कर्म कर। तो जब इतनी बात है, पहली बात तो ये है कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस का मुद्दा भी बहुत उठा हुआ है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लाखों रुपए करोड़ों रुपए मंदिर मस्जिदों में लगा दिए गए पर ईश्वर की एग्जिस्टेंस आज भी डाउट में है। जुडिशरी में कहा जाता है, हाई कोर्ट लोग सुप्रीम कोर्ट, कि आप ईश्वर की भगवद्गीता पे हाथ रखे गए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। अगर वही ईश्वर का जिक्र टेस्टिमनी में आ जाए, गवाही में आ जाए, तो वो मानी नहीं जाती। क्यों? जब शपथ खिलाई थी तब थे भगवान, अब नहीं है। पहले की जाती है फिर नाम आता है। भगवान हम सब में व्याप्त है, जैसे शब्दों में कहा, भ ग वा आ न, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, हम सब भगवान हैं। गलती कहाँ है कि मैं भगवान हूँ और तुम इंसान हो, वो गलती है। माँ से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, जिद होती है, और माँ की गोद कभी छोटी नहीं होती। वही जिद हम नहीं दिखाते परमात्मा के प्रति। जिसने वो माँ बेटे का रिश्ता बनाया तो उससे रिश्ता तो और भी बड़ा हुआ, वो जिद कहाँ है? गर्लफ्रेंड से बात करते हुए तो हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते दिमाग का इस्तेमाल, यही समस्या है। आरती के बहाने तुम उसे आग दिखाओ बार बार, ये कौन सा तरीका है किसी को मोहब्बत में बनाने? कई लोग कहते हैं, बहनें कहती हैं, अहिल्या जी को पाँव से क्यों ठीक करा श्री राम ने? जिन्होंने अहिल्या गौतम ऋषि ने जो उनके पति थे अहिल्या जी के जो श्राप दिया था, तो उन्होंने यही कंडीशन रखी थी, जब श्री राम अपने पाँव से स्पर्श करेंगे आपको तो ही आपका श्राप खत्म होगा। हिंदू धर्म में पाँव छूते हैं, बाकी धर्मों में हाथ चुनने का रिवाज है, गाल से गाल लगाने का रिवाज है, हिंदू धर्म में पाँव क्यों छूते हैं? क्योंकि कहा गया है कि शैतान अगर ईश्वर की नकल भी कर ले, खुद ईश्वर बनने की कोशिश भी कर ले, तो वो सब कुछ कॉपी कर सकता है सिवाय चरणों के, क्योंकि उनके चरणों में ही सारे शुभ चिन्ह हैं, पूरी सृष्टि समाई है, स्वास्तिक, चंद्रमा, सूरज, ओम। तो शैतान ये कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए चरणों का महत्व बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म में। जो पाँव का तलवा होता है उसे सोल कहते हैं, सोल का मतलब आत्मा भी होता है। तो जब भी कोई बुरा काम करने लगता है तो सबसे पहले उसकी आत्मा कांपती है, पाँव कांपते हैं।
ये साइन होता है कि आप गलत रास्ते पे हैं। और जब आप आत्मा छूते हैं किसी की, चरण करते हैं, तो वो सोचेगा नहीं, आशीर्वाद अपने आप ही निकल जाएगा उसके मुंह से। तो चरणों का तो बहुत महत्व है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ अपनी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज दें। जय जय श्री राम।